बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी जुहैब। आज जो मैं गाड़ी आपके पास लेकर आया हूँ वो है जी होंडा की क्रॉस रोड, 2008 मॉडल है जी ये, और 2014 की इम्पोर्ट है और 2014 ही रजिस्टर्ड है। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी गाड़ी है, ज़बरदस्त गाड़ी है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका मटीरियल है, एक्सटीरियर इसका बड़ा आउटस्टैंडिंग है और इंटीरियर भी इसका बहुत अच्छा है। वीडियो शुरू करने से पहले जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आपने कोई गाड़ी सेल परचेज़ करनी है तो मेरे दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको विद इन 10 मिनट्स जो आपको उसकी ऑफ़र दे दी जाएगी गाड़ी की, या आपको गाड़ी अरेंज करके जो आपको चाहिए वो दे दी जाएगी। चलिए जी वीडियो शुरू करती है। अच्छा जी, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जी होंडा क्रॉस रोड है जी, ये 2008 मॉडल है और 2014 की इम्पोर्ट है और 2014 ही रजिस्टर्ड है ये। 119,000 चली हुई है गाड़ी, ये आप देख सकते हैं, ये इसका मीटर है, डिफरेंट डिफरेंट 4 मीटर्स हैं इसके। एक इसका फ्यूल गेज का मीटर है राइट साइड पे सबसे ज़्यादा जो है जी, और सेकेंड नंबर पर जी इसका ट्रिप मीटर है और उसका माइलेज मीटर है, और थर्ड नंबर के ऊपर जी इसका स्पीडोमीटर है, और फोर्थ नंबर के ऊपर जी इसका जो है गियर की इंडिकेट करता है, और उसके अलावा आरपीएम जो है जी वो बताता है। तो 4 इसके जी बहुत प्यारे से खूबसूरत से इन्होंने जो है मीटर्स दिए हुए हैं, बड़े डिफरेंट किस्म के इसके मीटर्स हैं। अच्छा जी, ये जी इसके अंदर से गाड़ी है, ये इसकी अपनी LCD जेन्युइन लगी हुई है जापनीज ही, और ये जी इसका गियर लीवर है, और ये जी इसका सारा AC का कंट्रोल है। ये जी सारा इसका AC का कंट्रोल आप देख सकते हैं, और ये जी इसका डैशबोर्ड है, एक इसके जी ऊपर बॉक्स है और एक इसके जी नीचे बॉक्स है, 2 बॉक्सेस हैं इसके अंदर। उसके अलावा जी इसमें 2 एयरबैग्स हैं, एक ये पैसेंजर साइड के ऊपर एयरबैग है इसका, और एक जी इसका ड्राइविंग सीट के अंदर एयरबैग है। उसके अलावा जी ये इसका जो है डोर साइड है, और ये जी इसकी सिटिंग पोस्चर है सारा, और ये जिसका आर्मरेस्ट दिया हुआ उन्होंने। 7 सीटर गाड़ी है जी ये, और ये बैक साइड से इसकी सीट्स हैं, उसमें भी आर्मरेस्ट दिया हुआ इन्होंने, ये बैक साइड का सिटिंग पोस्चर है। और जी उसके अलावा वो थर्ड नंबर पे जो है जी वो सिक्स और सेवन्थ सीट जो है जी वो है जी, काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है और साफ़ सुथरी गाड़ी है जी, आप देख सकते हैं। जहाँ तक इसके ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो जी ड्राइविंग सीट के ऊपर इन्होंने दिया हुआ है ऑटो मिरर दिया हुआ है इन्होंने ड्राइवर सीट के लिए, इसके अलावा मैनुअली बटन्स हैं जी, मैनुअली कंट्रोल होते हैं बाकी के 4 शीशे। इसके अलावा जी गाड़ी लॉक अनलॉक की ऑप्शन है, मिरर लॉक की ऑप्शन है, उसके अलावा जी मिरर सेटिंग की ऑप्शन है राइट लेफ्ट की, और रिट्रैक्टेबल इसके मिरर्स हैं जी, यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो जी ये ओपन हो जाते हैं शीशे, मिरर सेटिंग है इसके अंदर। काफ़ी ज़्यादा खुली डुली गाड़ी है जी, काफ़ी चौड़ी गाड़ी है, इजीली 7 बंदे जो हैं इसमें 8 बंदे जी सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जी मैं आपको बाहर से इसका क्विक रिव्यू करवा देता हूँ, गाड़ी मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, और उसके अलावा हम उसकी बोनट खोल के आपको दिखा देता हूँ, बूट स्पेसिस की आपको मैं चेक करवा देता हूँ जी। अच्छा जी, ये इसकी फ्रंट से लुक है गाड़ी की सारी, ये आप देख सकते हैं, और ये जी इसकी हेडलाइट्स है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये इसकी लो बीम्स हैं, ये इसकी हाई बीम्स हैं, और ये जी इसकी इंडिकेटर्स हैं,
और ये चीज़ के अंदर जो पार्किंग लाइट्स हैं ऊपर, फ्रंट पर भी कैमरा आता है जी इसके, ये जी इससे साइड लुक है। अच्छा जी, ये इसका जो टायर साइज जो आता है जी इसका, वो आता है जी, वो जी इसका टायर साइज जो आता है जी वो 215/55 R17 का टायर आता है जी इसका, जापानीज टायर है, प्योर ही है जी, अलॉय रिम के साथ है जी। और ये जी इसकी बैक साइड से लुक क्या, बैक साइड पे भी है ना इसका वाइपर दिया हुआ है, और शावर की ऑप्शन है जिसमें बैक साइड के शीशे के ऊपर, और ये जी इसकी ब्रेक लाइट है। इसके अलावा जी ये इसकी बैक लाइट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जी इसकी स्टील मोड लाइट है, ये इसकी जी ब्रेक लाइट है, ब्रेक पेडल लाइट है, ये जी इसकी रिवर्स लाइट है, और ये जी इसके इंडिकेटर्स हैं। इसकी दूसरी साइड से लुक क्या, जीप स्टाइल लुक क्या जी इसकी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लुक है, हाइटेड जीप नहीं है जी। और ये जी इसका ट्रंक साइड है, फोल्डेबल सीट्स हैं इसकी, आप फोल्ड करके इसमें सामान कैरी भी कर सकते हैं, उसके अलावा अगर आपने कोई छोटा मोटा लगेज रखना है तो वो जी आप इसके अंदर इधर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जी ये इसकी नीचे टूल किट है सारी, ये जी इसकी एक बैक साइड से रुक गया, एक देख सकते हैं आप, काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है जी, काफ़ी दूर तक गाड़ी है। बॉनट साइड है, आप देख सकते हैं जी इसकी बॉनट साइड है, ड्राइव बैटरी इसमें इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, इसका इंजन है, और ये चीज का सारा बॉनट है, साफ सुथरा बॉनट है, जेन्युइन गाड़ी है जी। अच्छा जी, होंडा क्रॉस रोड 2008 मॉडल, 2014 इंपोर्ट और रजिस्टर्ड। जहाँ तक इसकी प्राइस की बात कर ली जाए थी जी, तो इसकी प्राइस आस्किंग जो है जी वो 34.5 लाख रुपए इसकी आस्किंग है, प्राइस निगोशिएबल है जी, ऑफ़र चलेगी, आप ऑफ़र दें अपनी, इंशाल्लाह उस पर बात बैठ कर बात हो जाएगी। और इसके अलावा जी, अगर आप कोई गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं, कोई गाड़ी आप सेल परचेज करना चाहते हैं न्यू और यूज्ड, तो आप मेरे दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास एक नई गाड़ी लेकर हाज़िर होऊंगा। और उसके अलावा मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी।